तो सर मुझे बताइए मशीन कैसे चलाई जाती है। सर बस एक बटन यहाँ प्रेस करेंगे हम, मशीन चालू हो जाएगा। देख रहे हैं हम लोग गेहूँ डाल रखे हैं, बस ये मशीन अब चालू कर रहे हैं। तो ये बटन प्रेस कर दिया, मशीन चालू हो गया। बहुत अच्छा। आवाज तो नहीं है सर? आवाज बिल्कुल नहीं है, मशीन चालू हो गया। अब ये एम्पियर जो मैं बता रहा था वीडियो में, ये लोड है। अब यहाँ से इसको, इस लोड को देखते हुए हम यहाँ से माल छोड़ेंगे और पिसाई शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से इसको घुमाएंगे, जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे गेहूँ अंदर जाना शुरू हो जाएगा और यहाँ लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत। देखिए यहाँ पे 2.7 हो गया, धीरे धीरे लोड बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ पे माल बढ़ा दिए हैं, यहाँ था यहाँ लेके आ गए। जी। गेहूँ पिसाना शुरू हो गया है, 4.2 एम्पियर में हमारा गेहूं पिसाई हो रहा है। अच्छा जी, ये नीचे आ रहा होगा सर? जी हाँ, देखिए गेहूं का धार कितना तेजी से पीस पा रहा है ये मशीन। बिल्कुल, बहुत तेजी से निकल रहा है सर ये तो। जी इस मशीन का क्या है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपको लोड देना है। मान लीजिए अभी 200 वोल्टेज है तो मशीन को हम 10 एम्पियर लोड तक चला सकते हैं, और वही 250 वोल्टेज रहेगा इस मशीन को हम 17-18 एम्पियर तक चला सकते हैं। अच्छा जी, जैसा वोल्टेज वैसा प्रोडक्शन। बिल्कुल। देखते हैं अब आटा क्वालिटी हमारा कैसा आया। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हैं साथियों, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइव डेमो दिखा पाएं, बता पाएं। सर से रिक्वेस्ट किया हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारा पीस के तैयार हो गया आटा। सिर्फ आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख पाएं और समझ पाएं। बहुत अच्छा गेहूँ आटा क्वालिटी कैसा आया है ये देखिए, एकदम मक्खन जैसा आटा। सर एक कै नंबर जाली में पीसे हैं? 2 नंबर जाली का आटा है ये। 2 नंबर जाली का? जी हाँ। और आप ये भी कहते हैं कि जब भी आटा पिसाई करें 2 नंबर की जाली में करें ना? 2 और 3। 2 और 3? जी हाँ, देहात के लोग 3 नंबर जाली में खाना पसंद करेंगे। अच्छा। और शहर के लोग 2 नंबर जाली में खाना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब मुझे बताइए सर कि 5 HP का कोई लगाता है इसका क्या प्रोडक्शन होगा? सर देखिए 5 HP में अगर सच्चाई बताया जाए तो, वैसे तो मार्केट में झूठ बहुत फैला हुआ है कि 50 किलो कोई बोल देता है पीस देगा, कोई बोलेगा 60 किलो पीस देगा, लेकिन इसका अगर वोल्टेज एक्चुअल दिया जाए ढंग से तो ये मशीन 40 से 45 किलो 5 HP का मोटर आराम से एवरेज दे देगा। मतलब 50 से 60 kg? नहीं सर, वो झूठ बात है, वो कहने वाली बात है। एक्चुअल प्रोडक्शन 5 HP का 40 से 45 किलो। क्यों? क्योंकि आपका मोटर का जो वाइंडिंग होता है, मोटर का कैपेसिटी होता है। जी जी। अगर टेक्निकल नॉलेज से हम जाएं तो 1 HP का मोटर में 9 kg क्रशिंग का दम होता है, तो 9×45 सीधा सा गुना भाग है, 45 किलो आया एवरेज। वोल्टेज फ्लक्चुएशन को 5 किलो और कम कर दीजिए तो कितना भी खराब होगा तो 40 किलो आपका देगा ही देगा। वैसा ही 3 HP में आ जाइए आप तो आपका 9 किलो हिसाब से 3 HP का कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मान के चलिए ये 25 से 27 किलो गेहूँ पर घंटा बिल्कुल पीस के दे रहा है। डबल चेंबर में देखिए क्या होता है सर, 2 चेंबर होते हैं, एक अंदर एक बाहर। अंदर में 4 मीटर है, बाहर में 4 मीटर, 8 मीटर का मशीन है। अंदर वाले का काम है तोड़ देना, बाहर वाले का काम है पीस देना। मतलब ये मशीन काम को बांट देता है जिसके कारण पिसाई आसान हो जाता है। अच्छा जी। और सर मैं देख रहा हूँ बहुत चमक रही है ये आपकी मशीन। पूरा स्टील का बॉडी है इसका सर। जी जी जी, फुली स्टील बॉडी में बना हुआ मशीन है, नाम है मिरर स्टील। तो सर जरा अपने मशीन के और लोगों के मशीन में क्या अंतर कुछ सर? देखिए पहला तो जो आपका लोहा बॉडी का चदरा का मशीन बना होता है उसमें आपको बिजली से खतरा है। अच्छा। लोहा का मशीन में बिजली, अगर मान लीजिए मोटर में किसी तरह का दिक्कत आया, कोई तार छूट गया, बॉडी में टच हुआ, तो वो करंट लगने का डर होगा। स्टील में बिजली सप्लाई नहीं होता, वो करंट लगने का डर नहीं है। बिल्कुल। पहला। दूसरा, इसमें जंग नहीं लगेगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अच्छा जी। जी। और लोगों वाली मशीन में जो होता है एमएच बॉडी में, उसमें जंग, उसमें लग जंग लगेगा, पानी पड़ेगा जंग लगेगा, नमी जाएगा जंग लगेगा, वो सड़ेगा भी, गलेगा भी, टूटेगा भी। ये आपका नहीं सड़ेगा, नहीं गलेगा, नहीं टूटेगा। प्लस इस मशीन के साथ हम डिजिटल स्टार्टर दे रहे हैं आपको, वोल्टेज यहाँ बताएगा, एम्पियर लोड कितना चल रहा है मशीन का ये बताएगा, ग्रीन बटन से चालू होगा, रेड बटन से बंद होगा। इससे फायदा क्या होगा, किसी भी तरह का बिजली से आपका टच संपर्क नहीं हो रहा है।
भला इसीलिए आप कह रहे थे कि इसको बच्चे भी चला सकते हैं, महिलाएं भी चला सकती हैं। उसी नजर से बनाया गया है ताकि इसको कोई भी चला ले, उनको नुकसान किसी तरह का ना पहुंचे और अपना एक घर में स्वरोजगार स्थापित कर लें, जो कि आराम से महीने का 15,000-20,000 रुपए कमा कर दे देगा। तो मैं सर ये दो मशीन देख पा रहा हूँ आपके यहाँ जी, दोनों में क्या अंतर है मुझे जरा देखिए। इसमें ये 5 HP का मोटर लगा हुआ मशीन है। अच्छा, सिंगल फेज में 5 HP मोटर, और ये आपका सिंगल फेज में 3 HP मोटर डबल चैम्बर का है। अच्छा जी, जी इसमें भी डबल चैम्बर, अंदर में सेम छोटा चैम्बर और बाहर बड़ा चैम्बर, उसका भी काम वही, एक तोड़ देगा एक पीस देगा। बिल्कुल सर। अब मैं सर चाहूंगा कि मान लीजिए 5 HP है और 3 HP है, जी हाँ, वो इससे बड़ा लेना चाहता हो, उससे बड़ा भी रेंज में। अच्छा। ये मशीन हम लोग बेसिकली उनके लिए लाए हैं जिनके पास पूंजी कम है। मान लीजिए आप किसी के पास 50,000 रुपया है जी, उनको बिजनेस करना है। हम सीधा वीडियो में क्या बोले, माँ बहन लोग हमारे जो गरीब भाई हैं, राइट राइट, बड़े के लिए तो सब कोई सोच रहा है बिल्कुल कि भाई ये 1 लाख का मशीन ले लीजिए, 1.5 लाख का ले लीजिए, और जो छोटे हैं जिनको शुरुआत करना है, चाहत है, कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए स्मार्टफोन के बराबर अपना बिजनेस शुरू कर, जी हाँ, जो छोटा मशीन, मतलब भाई आपके पास पैसा कम है, छोटा मशीन लगा लीजिए, छोटे से धीरे धीरे ऊंचा बन जाइए, बड़ा बन जाइए। तो सर आप मुझे कुछ इसके प्राइस राइज के बारे में बता दीजिए। सर देखिए, इसका मोटा मोटी डबल चैम्बर 5 HP का जो मशीन है जी, अभी हम दुर्गा पूजा तक जी मोटा मोटी मान के चलिए इसका रेट हम 52,000 रुपया करेंगे। 52,000 में हम फुल्ली मोटर स्टार्टर 6 जाली के साथ डब्बा, आपका मसाला हॉपर, रबर, आपका ये ब्रश, कपड़ा, ये सब कंप्लीट 7 सेट हम 5 HP का 52,000 रुपए में दे देंगे कस्टमर को। अच्छा जी, और ये जो 3 HP का मशीन है जी, डबल चैम्बर 3 HP, इस मशीन को स्टार्टर और सारा सामान, इसका डब्बा हो गया, मसाला हॉपर हो गया, सब कुछ कंप्लीट मोटा मोटी 30,000 रुपए में दे देंगे। अच्छा जी, जी हाँ सर, एक बात मैं और जानना चाहूँगा आपसे जी, कि मान लीजिए कोई आप 52,000 रुपए लगाता है जी, हाँ सर, तो 52,000 लगाने के बाद जब आपसे मशीन ले जाए तो उसके बाद भी कुछ उनको खरीदना पड़ेगा? नहीं सर, ये कंप्लीट हो गया, ये अपने आप में कंप्लीट है, सिर्फ आपको अपने घर का वायरिंग और बोर्ड, मोटर भी इसमें इंक्लूड है, मोटर सब कंप्लीट है। अच्छा जी, पूरा चलता फिरता मशीन, प्लग वगैरह सब ओके करके दे रहा हूँ, सिर्फ आपको अपना वायरिंग करना है, बोर्ड लगाना है, उस बोर्ड में ये प्लग को खोसना है, मशीन चालू। बहुत बढ़िया, मतलब ये मान लो कम पूंजी में कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, ये मशीन लगा सकता है। जो हमारे आसपास के भाई हैं 100 किलो 200 किलोमीटर के रेडियस में, उनके यहाँ हमारा मशीन के साथ एक आदमी जाएगा जो कि मशीन इंस्टॉल करके आ जाएगा, और जो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है वो ले रहे हैं तो उनको वीडियो कॉल के द्वारा समझा दिया जाएगा कैसे आपको ऑपरेशन करना है, कैसे चलाना है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए सर कि आप मेरे घर की लाइट पे, क्या घर की लाइट पे चलेगा या अलग से कनेक्शन? सर देखिए, घर की लाइट में तो लोग चला रहे हैं, चलता भी है, क्योंकि सिंगल फेज का सारा कनेक्शन एक है, लेकिन अगर बिजली विभाग से बचना है जी, और आपको प्रॉपर वे में काम करना है जी, जी, तो आप सिंगल फेज में कमर्शियल कनेक्शन करवा लीजिए। और हमको लगता है इसका कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 2-4-5 हज़ार की बात, हाँ वही बात है, लेकिन उसमें क्या हो गया, आप सेफ हो गए, सेफ हो गए जी हाँ, और आप क्या है कि अपने बचाव से बचे रहेंगे, बचाव से बचे रहेंगे, प्लस आपका लॉन्ग टाइम चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस चलेगा वो बिल्कुल। और घर का बिजली में चला रहे हैं, लुका चोरी, तो उसमें पकड़ाने का डर है, बदनामी का डर है, बहुत कुछ है, पड़ोसी बता सकता है जी हाँ बिल्कुल सर। तो देखते साथियों, एक छोटा बिजनेस 50,000, मतलब ये मान लो कि एक आईफोन के बराबर, जी हाँ आईफोन तो फिर भी 1 लाख का आ रहा है, उसके आधे दाम में, आधे दाम में 50,000 में बिजनेस हो गया, ये 30,000 में हो गया छोटा वाला, बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पास 25-30 हज़ार है उनके लिए भी मशीन है, जिनके पास 50-55 हज़ार है उनके लिए भी मशीन है। तो आप अपना छोटा रोजगार शुरू कीजिए और अपना बिजनेस कीजिए, सोच किस बात का डेर है सर, किसी के यहाँ 5-7 हज़ार का नौकरी करने से अच्छा है भाई कि अपना स्वरोजगार घर में कर लीजिए। सर एक बात मैं और जानना चाहूंगा जी, कि क्या है साथी ये देख रहे हैं ना, उनके ये दिल में होगा कि इसकी क्या कोई वारंटी गारंटी भी है सर? मोटर का 1 साल एक बार, 1 साल के अंदर अगर मोटर में खराबी आती है हाँ। तो कंपनी के द्वारा आपको 1 बार वारंटी मिलेगा, मतलब मोटर बना के रिपेयर करके आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, और मशीन का सर? मशीन का पूरा स्टील है सर, ना सड़ेगा ना गलेगा, इसका क्या वारंटी गारंटी? बहुत अच्छा, हाँ जब लोहे में क्या वारंटी गारंटी, इसका जाली वाली टूट जाता वो तो होगा अलग से लोकल खरीद लेंगे। और प्लस डबल चैम्बर का फायदा भी तो यही है ना, डबल जाली कम खराब होता है। अच्छा ये भी भाई, हाँ क्योंकि अंदर वाला तोड़ दिया, अनाज जब टूट गया तो आपका जाली पे तो हल्का लोड आ रहा है, तो जाली का लास्टिंग भी तो बढ़ गया ना। अब चलिए सर एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा, ये तो बात होगी आटा चक्की, जी हाँ, अब इसमें कोई मसाला पीसना चाहता है, बेसन पीसना चाहता है, सब कुछ इसमें, तभी तो सर 6 तरह का जाली दिया गया है। अच्छा, इसमें सर देखिए 6 तरह का जाली दिया हुआ है। अच्छा, 1 नंबर का जाली, इस जाली का काम है आपका सत्तू पीसने का, एकदम बारीक सत्तू। बहुत बढ़िया,
फिर आपका इसमें आ जाएगा दो नंबर का जाली। दो नंबर का जाली में आप अपना आटा पीस सकते हैं, बेसन पीस सकते हैं मार्केट में। फिर आपका जो नॉर्मल देहात में आटा चलता है वो तीन नंबर जाली से चलता है, तो तीन नंबर जाली से हल्का मोटा आटा आएगा। फिर चार नंबर का जाली हो गया, चार नंबर का जाली जो हो गया आपका, उसमें छठ पूजा वगैरह में हल्का मोटा ठेकुआ वगैरह बनाने के लिए दरदरा अनाज चाहिए होता है उसमें। फिर पांच नंबर का जाली हो गया जिसमें मुर्गा मुर्गी आपका जो छोटा बच्चा चूजा होता है उनके लिए फिट बनाया जाता है एकदम बारीक वाला, उनके लिए पांच नंबर। और जो गाय गुरु का है जो बड़े जानवर है उनके लिए छह नंबर का जाली दर्रा बनाने के लिए। मतलब एक मशीन अनेक काम, अनेक काम। बहुत बढ़िया। अब सर कोई ये बिजनेस शुरू करना चाहता था आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? सर बस हमारा कमरे गैस गोदाम के पास भारत मशीनरी एंड टूल्स कंपनी है, भारत मशीनरी एंड टूल्स। वहाँ पे आइए, अपना गेहूँ साथ में लेते आइए, पीस के देखिए, संतुष्ट हो लीजिए कि हाँ भाई जैसा मिश्रा जी बोल रहे हैं वैसा पीस पा रहा है कि नहीं, उसके बाद अपना पेमेंट कीजिए, मशीन लेकर चले जाइए। और जो भाई हमारे दूर में बैठे हुए हैं जी, जो आ नहीं सकते हैं, वो 5-7 हज़ार रुपये बुकिंग करवा के अपना मशीन इजली अपने घर तक मंगवा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, आप जब भी आते हैं सर कुछ नया कर जाते हैं मेरे साथियों के लिए। और ये सबसे खास बात है माताएं बहने के लिए भी है कि ये कोई भी चला सकता है। जी हाँ सर। सर देखिए हम बहुत सारा चीज़ रिसर्च करते हैं कि लोग घर घर में जाके जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि स्वरोजगार उत्पन्न कीजिए, अपने आप का मालिक बन जाइए, एक छोटा मालिक करके दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात का तो सर कारनामा है, आपका जलवा है कि जब मैं भी आता हूँ ना कुछ नया देख के जाता हूँ अपने साथियों। बस आप लोगों का आशीर्वाद, मेरे भाई बंधुओं माँ बाप बहन लोगों का आशीर्वाद है, बस लगा हुआ हूँ कि हर घर में एक रोजगार, छोटा सा रोजगार स्थापित कर दूँ अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।